दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं। इनफैक्ट कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है। ऐसे में इस वक्त लोगों के जहन में एक ही सवाल है, क्या मॉनसून दिल्ली आ चुका है या ये मॉनसून के आने से पहले मौसम का ये बदलाव है। तो आइए इन तमाम चीज़ों पर स्पष्टीकरण के लिए बात करते हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव हमारे साथ। सर, क्या मॉनसून आ चुका है, ये जो हम हल्की फुल्की बूंदाबांदी देख रहे हैं, क्या ये इफेक्ट मॉनसून का ही है? हाँ, निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो मानसून के समय में हवा पूर्वी हवाएं चलती है उसके एसोसिएशन में ये हमारे पास रेनफॉल दिल्ली एनसीआर में मॉर्निंग में हुई है। और अभी भी हमारे पास देखेंगे जो नॉर्थ दिल्ली के तमाम इलाके हैं वहाँ पर एक्टिविटी हमारे पास चल रही है। और इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि जो बादल वगैरह छाए हुए हैं पूरे नॉर्थ एनसीआर में छाए हुए हैं, और एज वेल एज जो आप कह सकते हैं कि जो जो उत्तरी इलाके हैं हमारे पास, जो कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लगे हुए नॉर्दर्न पार्ट्स में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के, वहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। तो ये मानसून की ही एसोसिएशन में रेनफॉल है, लेकिन अभी हमारे पास वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हैं जहाँ पर रेनफॉल अभी हमारे पास रियलाइज नहीं हुई है। तो जैसे आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं कि जो जो हमारे पास दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली का एरिया है यहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी अभी हमारे पास चल रही है। मॉर्निंग में गाजियाबाद के कुछ इलाकों में और नॉर्थ दिल्ली में भी ऑलरेडी रेनफॉल हो चुकी है। तो बट लेकिन आप इधर देखेंगे कि जो ईस्टर्न पार्ट्स है तो एक दो सेल अभी बने हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं यहाँ पर हमारे पास रेनफॉल अभी रियलाइज नहीं हुई है। कैमरामैन ललित के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।